देखो अभी पेट्रोल डाल रहे हैं टंकी में, बस अभी चालू करेंगे। गॉड, सो गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हो गए। कल आपने देखा कि कल हमने बाइक स्टार्ट किया था, मतलब सेल लगाया था, वायरिंग बाकी है। तो आज सबसे पहले तो फ्यूल टैंक का जो लोचा हुआ है ना, थोड़ा सा लीक हो रहा है ना, वो जाएंगे कंप्लीट करवाने के लिए। वो कंप्लीट करवाने के बाद हमारा जो मास है, ऐसा जो मास है बनाया हुआ RRCC प्रोजेक्ट का, उसके अंदर वाइजर नहीं है। कौन सा वाइजर आएगा वो कुछ पता नहीं है। उसका साइज निकाल के जाएंगे मिर्ज़ापुर, वो भी काम खत्म करना है, बहुत सारा छोटा मोटा काम है खत्म करना है। एंड आज हो सके ना तो उसका वायरिंग कर देंगे, फ्यूल स्विच, इग्निशन ऑन ऑफ, हेडलाइट बेडलाइट सब कुछ सेटिंग करना बाकी है, सबका वायरिंग करना है। तो उसके लिए भी आज पूछताछ कर लेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है सब कुछ। तो चलो फटाफट हाथीजड़, वहाँ से टैंक लेके जाएंगे सीधा आपका सिटी। हम बहुत लेट हो गया, 12:42 एक बजने वाला है एंड अपन आ चुके हैं हाथीजड़। एंड हमारे सब्सक्राइबर तमिलनाडु से आए हुए, ये रहे दो भाई। चलो ब्रो, हाँ सुहेल ब्रो, एकदम चकाचक। आज कुछ नहीं आँख में, ओके। ए, टैंक में जो लीक है ना, मतलब हमने देखा ना अभी, पानी रखा था पूरी रात, तो दो जगह से लीक हो रहा है। देखो हमने मार्क किया हुआ है, कहाँ से हो रहा है, हाँ निकला ग्रीन ग्रीन। चलो टैंक में से पानी निकल लिया है, अभी जाएंगे फटाफट अपन CTM टैंक को वेल्डिंग करवाने के लिए। चार जगह पे लीक हो रहा था पानी, तो चार जगह पे वेल्डिंग करवाएंगे। एंड हम रिटर्न पाइप जो आता है पेट्रोल का, वो भी यहाँ पे करवाएंगे। एंड हमने पहले जो करवाए थे पेट्रोल का पाइप जो बाहर निकलता है, वो तो यहाँ पे करना पड़ेगा, चेंज किया है। देखो 1, 2, 3, 4 और 5 जगह पे वेल्डिंग करवाना है। फटाफट जाएंगे करवा के आएंगे, उसके बाद अपनी बाइक चालू करनी है, पेट्रोल भी इसमें भरना है टैंक में। इसके लिए चलो मैं और नमन भाई जाएंगे V3 लेके। तो अभी मैं और नमन भाई निकल चुके हैं टैंक लेके वेल्डिंग करवाने के लिए, आर्गन वेल्डिंग, जो मेरी दो दिन की नींद खराब की है। अभी देखूंगा ना वेल्डिंग, वो तो मैं दे के बाहर खड़ा रहूंगा, नमन भाई करवा दे। एंड हाँ, कल के वीडियो में मैंने कमेंट पढ़ी, आपको ना बाइक का साउंड बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, मेरे सब कमेंट पढ़ी है, थैंक यू सो मच। एक महीने बाद हमने बाइक चालू की है, उसमें ऐसी साउंड आ रही है। अभी तो पूरी बाइक कंप्लीट करने दो, पूरा वायरिंग कंप्लीट करने दो, बाइक फिटिंग करने दो कंप्लीट, तब ना और भी अच्छी साउंड आएगी। वेल्डिंग चल रहा है अपने टैंक का, मैं देखने वाला नहीं हूँ, नमन भाई देखेंगे, मैं बाहर हूँ, हमें वेल्डिंग में देखना है यार, आपने लगा हुआ। टैंक में वेल्डिंग हो चुका है, पहले यहाँ पे कॉल किया था, वो कवर करके यहाँ पे किया, ओके। एंड यहाँ पे ऊपर जो पेट्रोल आएगा रिटर्न, उसके लिए चलो सही है। यहाँ पे मार्क किया था, वहाँ पे हो चुका ना वेल्डिंग, तो अभी हम जो टैंक के ऊपर वेल्डिंग करवा के लाए, उसमें मैंने वहाँ पे चेक नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे क्या धूप बहुत ही लेट हो रहा था, तो यहाँ पे लेके आ गए। अभी इसके अंदर वापस एक बार पानी भरेंगे एंड देखेंगे कहीं पे लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं होगा, बट एक बार देखना जरूरी, चलो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे वेल्डिंग किया था हमने, टैंक में हमने पानी भर दिया है ऊपर तक, तो अभी देखेंगे कहीं पे लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमने क्लीन कर दिया है। श्वेत भाई, तो RR5 का डैशबोर्ड तो यहाँ पे लगाया, परफेक्ट लग रहा है। एंड साइड पे जो कवर करना है वो फाइबर से बनाएंगे, है ना, काम चालू है डैशबोर्ड बनने का। एंड हम जाएंगे पाइप लेने के लिए, अरे यार क्या खा रहे हो, चलो कौन सी प्लानी, पेट्रोल पाइप दो रहा अंदर की बाहर की दोनों, चलो चलो लेके आते हैं। देखो पेट्रोल पाइप ले ली एंड पेट्रोल भी ले लिया, कितना लिया, 2 लीटर चलेगा ना, बिल्कुल चक्कर तो लगाना है बट लंबा चक्कर नहीं लगाना है, इसके लिए चलेगा इतना। पेट्रोल की पाइप देखो कुछ ऐसी तरह लगेगी, देखो यहाँ पे आएगी पेट्रोल की पाइप और ये ऊपर की पाइप, पेट्रोल की ऐसी जिंदगी नहीं है भाई। तो हमने सीट लेके आए थे मिर्ज़ापुर से, मतलब एक महीने पहले, वो सीट अभी काम आएगी। देखो जो टैंक गर्म ना हो, इसके लिए हम हीटिंग से बच के रखेगी टैंक को, इसीलिए देखो हमने टैंक को कैसा रैप कर दिया ब्लैक कलर, वो कलर नहीं ये सीट है, इससे ना हीटिंग नहीं आएगा टैंक के अंदर। देखो यहाँ पे हीट नहीं होगा, हाँ चलो लगाओ आप, चलो
तो गाइस कल हमने जो बाइक चालू किया था वो डायरेक्ट किया था, अभी देखो अभी हमने टैंक भी इंस्टॉल कर दिया है, देखो करंट कॉइल भी यहाँ पे फिटिंग कर दिया है, सब कुछ देखो पूरा यहाँ पे इंजन बराबर लग रहा है, इंजन को क्लीन करेंगे लास्ट में सब कुछ करना है, और यहाँ पे बैटरी को फिटिंग कर रहे हैं देखो, एंड पीछे की ब्रेक आ गई ना, आ गई आगे के ब्रेक का बाकी है, उसका पाइप लाना पड़ेगा, पाइप भी लाएंगे अभी, उसे कहते टेस्ट ड्राइव करेंगे बट पहले चालू करेंगे परफेक्ट। देखो अभी पेट्रोल डाल रहे हैं टंकी में, बस अभी चालू करेंगे, एंड कवर तो बाद में लगाएंगे, पहले तो चेक कर लेते हैं। तो बहुत कुछ हमने इंस्टॉल किया है, देखो टैंक बैंक सब कुछ चालू करते, चलो देख लो, सीट बीट सब कुछ लग चुका है, अभी इसका एक टेस्ट राइड होगा छोटा सा, कल तो पूरा दिन घुमाएंगे बट अभी छोटा सा एक टेस्ट राइड करेंगे, क्यों आगे रेडिएटर लगाने में पूरा पैनल खोलना पड़ेगा साइड का, देखो साइड का पूरा पैनल खोलेंगे ना बाद में ही आएगा रेडिएटर, इसके लिए अभी उतना तो गर्म नहीं होगा, इंजन तो चलेगा, एक दो किलोमीटर घूम सकते हैं तो घूमेंगे, अभी चैन फिटिंग कर रहे देखो, यहाँ पे सब कुछ फिटिंग हो चुका है, पहले तो मेन चीज की इंजन, उसका गियर बॉक्स, चैन, फ्लाई व्हील सब कुछ ए टू जेड, अभी एक इसका छोटा सा टेस्ट राइड करेंगे, मतलब बहुत छोटा सा, क्योंकि हमारा रेडिएटर लगा नहीं है, इसके लिए ज़्यादा चक्कर लगा सकते नहीं है, एक से दो किलोमीटर घूमेंगे यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, जो भी घूमते आपको दिखाएंगे, बहुत मजा आने वाला है, बाइक का लुक भी आपको दिखेगा, एंड आज मैं हेलमेट पहनने वाला हूँ, मतलब पहले वीडियो में हेलमेट नहीं पहना था, बहुत सारे लोगों ने बोला कि हेलमेट क्यों नहीं पहना था भाई, अब पहनाएंगे, चलो फटाफट हेलमेट लेके आते, एक राउंड लगाते हैं इसका करेंगे। चलो 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 चलो, पीछे की ब्रेक आ रही है, आगे की ब्रेक ही नहीं है, आगे की ब्रेक नहीं है, रोड पे तो कंफर्ट है, रोड पे तो पाँव टच हो रहे हैं, ओ चलो My God. Yeah,
सबने देखा, हमने इसका छोटा सा टेस्ट राइड किया, मतलब यहाँ से 200 मीटर दूर गए एंड बाइक बंद हो गया। पता नहीं प्रॉब्लम क्या आ रहा है, लगता है कि कार्बोरेटर में प्रॉब्लम आ रहा है। हसुल भाई कहाँ पे कार्बोरेटर ना, तो उसको खोलेंगे एंड क्लीन करेंगे। मतलब वैसे तो पावर तो है, फर्स्ट गियर में चला है मैंने, सेकंड गियर किया ही नहीं है, बंद हो गई। चलो कोई नहीं, मतलब जितना ट्राई करेंगे ना उतना बाइक कंप्लीट होगा। हमको प्रॉब्लम दिख गया है कि बाहर के प्रॉब्लम है, वो सॉल्व कर, तो सॉल्व कर रहे हैं 9:30 एंड छोटा मोटा प्रॉब्लम आ रहा है वो क्लियर कर रहे ना करा है। तो 9:30 बज चुके हैं, बाइक को चालू कर रहे थे, टेस्ट राइड करने का ट्राई किया, मतलब 200 मीटर गया बाइक बंद हो गया। अभी यहाँ पे हमने क्लियर किया, हो गया रहा है करंट इतना बाहर नहीं आ रहा है, लेट लेट हो चुका है तो कॉल करेंगे। मतलब समझ लो कि बाइक हम लेके जा रहे हैं ना तो कम्फर्टेबल है, बाइक हमारी चल सकती है। तो समझो कि बाइक का काम अभी, मतलब एनजी का काम वो सब तो फुल पे देख लेंगे, बट हमको बॉडी का काम करना है जो बाकी है, आगे डैशबोर्ड वो सब कर देंगे, डेल्को का काम फुल पे कल आके कर देंगे। तो आपने देख लिया कि बाइक हमारी कंफर्टेबल चल रही है, तो और तो कुछ नहीं चाहिए, बस बाइक चल रही है हमारे लिए बहुत है। तो बस आज इतना ही, अभी मिलते हैं कल।